हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स की यूनिट का चैप्टर है। पूरी यूनिट का जो नाम है वो मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए पहले लिख दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर आपका पूरी यूनिट है, इसमें आपके चैप्टर वाइज चल रहे हैं बच्चों हम। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम निमटा चुके हैं, जिसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो बहुत सारी चीजें हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में और हुक्स लॉ के बारे में और बहुत सारी एप्लीकेशंस उसकी करी है। ठीक है, तो अब फिलहाल उसको निमटाने के बाद हम आए हैं चैप्टर नंबर टू में, चैप्टर नंबर टू में। तो बच्चों, इसका यूनिट का चैप्टर नंबर टू क्या है? इसका चैप्टर नंबर टू है बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, या तो अगर साफ सीधी बात कही जाए कि हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। वैसे मैं सोच रहा हूं कि हाइड्रोडायनेमिक्स को अलग से पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर नंबर थ्री बनाकर, तो मैं यहां पे आपको पहले पढ़ाऊंगा हाइड्रोस्टैटिक्स एंड प्रेशर। तो यहां पे मैं आपको प्रेशर की नॉलेज दूंगा और मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक्स की नॉलेज दूंगा बच्चों। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो यहां पर जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है, यहां पर जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर टू जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रेशर एंड हाइड्रोडायनेमिक्स, प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी कह सकते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है बच्चों, ताकि आप ट्रैक से भटके ना। तो मैंने बता दिया आपको, यूनिट का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड था, जो कि हमने पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर टू जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, और उसमें हम प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स हम चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ेंगे। ओके, इतना क्लियर है? ओके, तो बच्चों बात बढ़ाते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब हेडिंग से ही, मतलब समझते हैं हेडिंग में ही। यहाँ पे बहुत सारे मतलब छुपे हैं। पहली हेडिंग में यहाँ पे मतलब छुपा है कि फ्लूइड क्या होता है, दूसरा मैं आपको प्रेशर पढ़ाऊंगा, तीसरा मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक्स बताऊंगा। तो तीन डेफिनेशन तो आपकी पहले से ही रेडी हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि फ्लूइड क्या होता है बच्चों। फ्लूइड, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लोग डालोगे फ्लूइड, कि व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है। तो हमारा सिंपल सा लॉजिक ये है कि फ्लूइड हमारे वो होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, विच कैन इजिली फ्लो। तो फ्लूइड आपके हवा होती है और वाटर होता है। सॉलिड कहां फ्लो करता है? तो सॉलिड तो फ्लो करता नहीं है, तो सॉलिड को हटाकर जो आपकी गैस होती है और जो आपका लिक्विड होता है वो आपका फ्लो करता है। जो भी इजिली फ्लो कर सकता है उसे क्या बोलता है? फ्लूइड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? फ्लूइड। सिंपल है ना। पॉइंट नंबर टू है बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोस्टैटिक्स आपकी वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है लिक्विड को एट रेस्ट पर, या सिंपल भाषा में बोला जाए द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब हम जब लिक्विड को रेस्ट पे पढ़ते हैं, जैसे ये मेरे कंटेनर हो गया और इस कंटेनर में लिक्विड है, तो ये जो कंटेनर में बच्चों लिक्विड है, इस लिक्विड में पार्टिकल्स होंगे, चारों तरफ पार्टिकल्स होंगे जो मूवमेंट तो कर रहे होंगे, पर हमें लिक्विड तो रुका हुआ दिख रहा है ना, लिक्विड तो हमें रेस्ट पर दिख रहा है। अगर मैं पलट दूंगा इसे तो लिक्विड फ्लो होता हुआ दिखेगा। फ्लो होने वाले लिक्विड को हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वहां पे ना जाकर हम हाइड्रोस्टैटिक्स को ही डिस्कस करेंगे बच्चों ज्यादा। तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जो डील करता है द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है, उसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर थ्री है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में, कि व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों आपका वो प्रेशर होता है
जो रेस्ट वाला लिक्विड वॉल ऑफ द कंटेनर पे लगा रहा होता है। देखो भाई ऐसा है कि लिक्विड का नेचर आपको पता ही है ना, इनका ऐसा आपने पढ़ रखा है कि लिक्विड के पार्टिकल किसी काइनेटिक एनर्जी से कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट कर रहे होते हैं बच्चों। तो अगर वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट कर रहे होते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये लिक्विड का पार्टिकल है, 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 तो वो वॉल ऑफ द कंटेनर पे फोर्स मारेंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर पे फोर्स मारेंगे, ऐसे भी फोर्स मारेंगे, इधर की तरफ भी फोर्स मारेंगे, चारों तरफ ऐसे फोर्स मारेंगे। तो फोर्स वॉल ऑफ द कंटेनर के छोटे से एरिया पे लग रहा है, और फोर्स और एरिया से मिलके क्या बनता है, प्रेशर। कौन मार रहा है प्रेशर? रुका हुआ लिक्विड के पार्टिकल्स मार रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो वो प्रेशर जो रुका हुआ लिक्विड वॉल ऑफ द कंटेनर पे मारता है उसे बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सिंपल है, सिंपल। ओके, पॉइंट नंबर फोर बच्चों। तो पॉइंट नंबर फोर है थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? बताइए व्हाट इज थ्रस्ट। तो जो बच्चों ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, क्या लग रही है? परपेंडिकुलर फोर्स। लिक्विड जो है जो रुका हुआ है, लिक्विड जो है जो यहां पर लिक्विड है वो रुका हुआ है, वो परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे नीचे की तरफ मार रहा होगा, वो परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे इधर लगा रहा होगा, 90 डिग्री पे लगा रहा होगा, वो परपेंडिकुलर फोर्स कुछ इस तरीके से भी लग रही होगी, ऐसे नीचे की तरफ लग रही होगी। तो ये फोर्स जो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लिक्विड लगाता है, इस फोर्स को बच्चों थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग बाय अ लिक्विड पार्टिकल इन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड थ्रस्ट। या तो इससे भी इजी सामने लिखी हुई आ गई होगी तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है? तो आपको आ गया इतना समझ में, 1 2 3 4। तो फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और थ्रस्ट, इतना तो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम साफ सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं कि व्हाट इज प्रेशर। ये छोटी छोटी टर्म्स थी तो ये आपने 9th क्लास से ही पढ़ रखी है, तो जल्दी जल्दी मैंने इसको निपटा दिया। अब आते हैं बच्चों व्हाट इज प्रेशर, कि भैया प्रेशर क्या होता है। प्रेशर बहुत ही सिंपल है डिफाइन करना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो फोर्स है वो किसी पर यूनिट एरिया पे लगता है तो उसे प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर का बच्चों फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एफ बाय ए, पी इज इक्वल टू एफ बाय ए। अगर बच्चों यूनिट की बात करी जाए कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एफ के लिए न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर आ गया। या तो आप इसे पास्कल भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? पास्कल। और भी कुछ अदर अदर यूनिट होती है लेकिन उसको अगर हटा दें अभी। और बच्चों इसका अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी की बात करें कि प्रेशर कौन सी क्वांटिटी में आता है, तो आपका जवाब होगा प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी में आता है। कौन सी क्वांटिटी में आता है? वेक्टर क्वांटिटी में। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं आपको यहां पे इंफॉर्मेशन दे दूं, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ द लिक्विड पार्टिकल की है, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखें कि प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब 25 25 जो भी वो नंबर निकलेगा यूनिट के साथ, तो वो मैग्नीट्यूड होता है, नंबर इंटू यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो स्केलर होगा, ठीक है? जो डायरेक्शन होगी उसी की वजह से मैं वेक्टर कह रहा हूं। लेकिन अगर पानी किसी कंटेनर के अंदर है और वो क्लोज कंटेनर है और पानी रेस्ट पर है, तो पानी की बच्चों एक और यूनिट होती है जो कि थोड़ी कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछी जाती है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि लिक्विड रेस्ट पर है और वो कंटेनर के अंदर है, तब आप यूनिट वेक्टर ना बोल के तब आप यूनिट टेंसर कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? टेंसर कहेंगे, ये याद रखना, ठीक है? हालांकि मैं क्लास 11 का ही पढ़ा रहा हूं अभी, तो क्लास 11 में अगर नॉर्मली पूछा जाता है कि प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो नॉर्मली आपके क्लास 11 के सिलेबस में यही है कि प्रेशर की यूनिट वेक्टर होती है, प्रेशर की क्वांटिटी वेक्टर होती है, ठीक है? इतना ठीक है ना? ओके, तो बच्चों इतना समझ में आ गया ना? कुछ भी और अदर अदर यूनिट भी होती है प्रेशर की, जो मैं अभी फिलहाल आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल अभी आगे करेंगे तो तब मैं डिस्कस करूंगा प्रेशर की और भी यूनिट्स। प्रेशर की हम बताएंगे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टाइप में, अभी तो बस इतना मालूम होना चाहिए कि ये इसकी यूनिट होती है। अब बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन ये आता है कि प्रेशर का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला हमने लिक्विड का पढ़ा है एच रो जी, ठीक है? और मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, और मैंने बोला था आपको कि आगे जाके हम इसको डिराइव करेंगे, तो वो डिराइव करने का बच्चों टाइम आ गया है। अब हम एच रो जी को डिराइव करके दिखाएंगे, तो हम प्रूफ करेंगे कि लिक्विड में जो प्रेशर लगता है वॉल ऑफ द कंटेनर या लिक्विड लिक्विड एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो वो प्रेशर हमेशा होता है एच रो जी। कितना होता है? एच रो जी। एच मतलब हो गया हाइट, रो मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और हाइट का मतलब हो गया जो हाइट उसने कैरी कर रखी होगी, लिक्विड की जो हाइट होगी वो हाइट में आ जाएगा बच्चों। तो यहां पे आप भी क्वेश्चन लिखिए, मैं भी क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है बच्चों हमारे यहां पर, क्वेश्चन है प्रूव
प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, प्रूव्ड प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। बहुत ही सिंपल है इसको प्रूफ करना, यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे इसे। तो हम यहाँ पे बच्चे कंटेनर लेंगे, आप सिलेंडर ले सकते हो, ठीक है, सिलेंडर से अच्छे तरीके से प्रूफ हो जाता है, तो हम सिलेंडर लेकर चल लेते हैं। और इसको बच्चों हम क्या करेंगे, इसको बच्चों हम लिक्विड से भर देंगे, किससे भर देंगे, लिक्विड से, इस तरीके से भर देंगे। और इसकी जो हाइट होगी इसको एच मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एच। और जो ये एरिया होगा बच्चों इसका, इसका ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको ए मान लेंगे। ये एरिया क्या हो गया, ए हो गया, एरिया ए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद होगा ये कि लिक्विड तो हर जगह प्रेशर फोर्स मार रहा होगा, यहाँ पे भी ऐसे फोर्स मार रहा होगा, लिक्विड यहाँ पे भी ऐसे फोर्स मार रहा होगा, लेकिन इवन लिक्विड के ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्स अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, नीचे ग्रेविटी भी तो खींच रही होगी ना, तो नीचे ग्रेविटी ऐसे खींच रही होगी तो फोर्स ऐसे भी लग रहा होगा इस तरीके से, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, हमारा छोटा जी जो है वो नीचे खींचता है जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बताओ फोर्स पर यूनिट एरिया तो लग ही रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है मैंने फिलहाल आपको, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूले में फोर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, फोर्स की जगह पे आप लिख सकते हो mg by एरिया, ठीक है, मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड, और ग्रेविटी मास ऑफ द लिक्विड को भी खींचते हैं भाई अपनी तरफ, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, एरिया। ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमें यह करना है कि हमें मास नहीं पता, हमें लिक्विड का मास नहीं पता, तो भैया लिक्विड का मास निकालेंगे हम, ठीक है, लिक्विड का मास निकालेंगे। तो लिक्विड का मास निकालने के लिए क्या करा जाए, बहुत ही फेमस है, सबको मुझे उम्मीद है कि आता होगा लिक्विड का मास निकालना। लिक्विड का मास निकालने के लिए हमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो लिक्विड का मास निकालने के लिए वी नो डैट, ठीक है, हम लोग को मालूम है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय क्या होती है, वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल रो होता है, मास का सिंबल एम होता है, वॉल्यूम का सिंबल वी होता है, वॉल्यूम का सिंबल वी होता है। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं वी को इधर ले जा लूं तो एम का फॉर्मूला बन जाएगा रो वी, क्या बन जाएगा, रो वी, या रो इंटू वी बन जाएगा, रो इंटू वी बन जाएगा। तो ये है बच्चों, अब मैं वॉल्यूम भी बता देता हूं, बताओ वॉल्यूम कितना है, हाइट इंटू एरिया को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। भाई हाइट इंटू एरिया को वॉल्यूम कैसे कहेंगे, हाइट हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, देखो लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया, हाइट आ गई, तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो हम एच और ए को क्या मान सकते हैं, वॉल्यूम मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे एम इज इक्वल टू रो एच ए, ये हो गया रो एच ए, ये एम की वैल्यू हो गई बच्चों जो हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस एम की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर वैल्यू ऑफ एम हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालते हैं तो यहाँ पे पी की वैल्यू बन जाएगी बच्चों रो एच ए जी डिवाइडेड बाय ए, ए से ए हमारा मर जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, पी इज इक्वल टू एच रो जी बचेगा। बोलने का तरीका एच रो जी अच्छा लगता है ऐसे, तो एच रो जी आप बोल सकते हो। इस तरीके से हमने प्रेशर को बच्चों क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि लिक्विड में जो प्रेशर लगता है किसी भी एक कॉलम में, किसी भी सिलेंडर में, अगर आपने पानी भर रखा है तो वो हमेशा कितना लगता है, एच रो जी लगता है, कितना लगता है, एच रो जी, सिंपल है। ओके, तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, अभी तक क्या पढ़ लिया, फ्लूइड पढ़ लिया, हाइड्रोस्टैटिक पढ़ लिया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ लिया, थ्रस्ट पढ़ लिया, प्रेशर पढ़ लिया, और प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी वाला हमने प्रूफ कर दिया। जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ एटमोस्फेरिक प्रेशर और कुछ प्रेशर के और भी यूनिट्स मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसे नोट करिए, उसके बाद आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पांचवा पॉइंट एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो एटमोस्फेयर सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है, और एटमोस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा होता है, 1 atm का, अर्थ सरफेस के ऊपर 1 atm चलता है, ठीक है। तो ये हम सबको पता है कि 1 atm चलता है, तो असल में 1 atm को हमें पास्कल में कन्वर्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसी वजह से हर एक न्यूमेरिकल, जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे इस यूनिट में, तो हमको
प्रेशर की जो यूनिट चाहिए होगी वो पास्कल में चाहिए होगी या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए होगी। तो न्यूटन पर मीटर में स्क्वायर करने के लिए और पास्कल में करने के लिए एटीएम पढ़ना बहुत जरूरी है, एटीएम की वैल्यूज को पढ़ना बहुत जरूरी है, मिलीमीटर की वैल्यूज को पढ़ना जरूरी है, सेंटीमीटर की वैल्यूज को पढ़ना जरूरी है, टॉर पढ़ना जरूरी है, टॉर, ठीक है, प्रेशर की यूनिट टॉर भी होती है। तो ये कुछ दो तीन चार पांच जितनी भी यूनिट्स हैं इनको पढ़ना जरूरी है, और ये भी पढ़ना जरूरी है कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट करा जाए, किस तरीके से इनको चेंज करा जाए पास्कल में, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको बच्चों एक चीज याद रखनी है कि जो 1 atm प्रेशर होता है, कितना, 1 atm प्रेशर, जो 1 atm प्रेशर होता है वो 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ये इसके इतने बराबर होता है, ठीक है। अब कभी कभी आ जाता है, वैसे प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, पर मैं आपको प्रूफ करना सिखाता हूं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं इसका कि कैसे प्रूफ होता है। तो अगर मैं इसका प्रूफ कराता हूं आपको, प्रूफ, तो प्रूफ इसको बैरोमीटर से करते हैं बच्चों, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर आप एक ऐसे या तो आप ऐसे डब्बा टाइप कंटेनर ले लो या तो आप ऐसे कटोरी टाइप ले लो, ठीक है, और उसमें बच्चों मरकरी फिल कर दो। क्या फिल कर दो, मरकरी ऐसे फिल कर दो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मरकरी यानी के HG को क्या कर दिया, फिल कर दिया, और ऊपर से आपको ऐसे यू शेप की ये लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे कुछ मार्किंग होती है, कुछ लेवल होता है जो 76 सेंटीमीटर तक चलता है, जो 76 सेंटीमीटर तक चलता है। तो एटमोस्फियर इस पर क्या मारेगा, धक्का मारेगा, जो एटमोस्फियर है वो तो इस पर लगाएगा 1 atm, जो एटमोस्फियर है वो तो इस पर लगाएगा 1 atm लगाएगा, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगने की वजह से आपकी जो मरकरी है उसका लेवल अप हो जाएगा, उसका लेवल अप हो जाएगा, और लेवल अप होते होते वो 76 पे जाकर रुक जाती है। लेवल अप होते होते वो किस पे रुक जाती है, 76 पे रुक जाती है। अब देखो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है, ये 1 atm का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है, जिस प्रेशर की वजह से ये क्रिएट हुआ है। तो प्रेशर जो है, जो असल में 1 atm का हम कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे HG, जो अभी मैंने प्रूफ कराया आपको। तो प्रेशर इज इक्वल टू, हाइट कितनी हो गई बच्चों, 76 हो गई, और मरकरी के बच्चों डेंसिटी आपको मालूम होनी चाहिए, यानी कि रो डेंसिटी आपको मरकरी के मालूम होनी चाहिए। तो डेंसिटी होती है मरकरी की 13.6 × 10³, 13.6 × 10³, ठीक है, और जी की वैल्यू 9.8 लेते हो आप लोग, छोटे जी की वैल्यू जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, तो उसकी वैल्यू आप 9.8 ले लेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर का जो बनेगा वो 1 atm का, वो सॉल्व करके बनेगा बच्चों 1.013 × 10⁵ पास्कल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं ना, इस तरीके से ये वैल्यूज निकलती है, इस तरीके से वैल्यूज निकलती है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालना कोई वैसी बात नहीं है, बस HG मालूम होना चाहिए, डेंसिटी पता होना चाहिए मरकरी की, मल्टीप्लाई करा दो और ये निकाल दो, 1 atm इतने के बराबर होता है, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल जिसमें प्रेशर एटीएम में दे रखा हो तो उसको पास्कल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि इस वैल्यू से क्या करा देना, मल्टीप्लाई, 1 atm में इतने होते हैं तो 5 atm में कितने होंगे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करा देना 5 में, ठीक है, 10 atm में कितने होंगे, ये वैल्यू 10 में मल्टीप्लाई करा देना, तो atm को पास्कल में हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों और भी बहुत सारी यूनिट होती है, ठीक है, ऑल्सो अदर यूनिट्स जैसे mm ऑफ HG हो गया, मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, बार हो गया बच्चों, बार, और क्या हो गया, टॉर हो गया, और ATM तो है ही, ठीक है, ATM मैंने बता दिया आपको। तो ये सारी की सारी बच्चों यूनिट होती है। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि 1 atm में कितने mm होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, 1 atm में 760 mm होते हैं, कितने होते हैं, 760 mm, और mm को ATM में करने का तरीका या ATM को mm में करने का तरीका ये है, ठीक है। तो ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ये वैल्यू 1 atm 760 mm के बराबर होता है। तो अगर मुझे mm को ATM में करना होगा तो 760 से डिवाइड करना होगा, जैसे मेरे पास 1 atm में कितने सेंटीमीटर ऑफ HG होता है, तो हम लिखेंगे 76 सेंटीमीटर होता है प्रेशर, 76 सेंटीमीटर होता है प्रेशर, ठीक है। अगर मेरे से पूछा कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं, तो आपका जवाब होगा 10⁵ पास्कल, कितने पास्कल, 10⁵ पास्कल। अगर मेरे से पूछा गया कि एक ATM में कितने पास्कल होते हैं, तो एक ATM में पास्कल होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल, ये, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जन में काम आएगा बच्चों आपका। और टॉर,
अगर आपसे पूछा गया कि एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं या एमएम कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 1 एमएम। ठीक है, एक टॉर 1 एमएम के बराबर होता है। ठीक है, तो एमएम को कन्वर्ट करने का तरीका वही है। ठीक है, सेम। तो एक एम किसके बराबर, एक टॉर किसके बराबर बराबर होता है, 1 एमएम के बराबर होता है। तो जो एमएम है, मिलीमीटर है, उसको आप एटीएम में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे पास्कल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। और चीजें बच्चों आपको क्या मालूम होनी चाहिए, एक चीज और, कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वॉटर, डेंसिटी ऑफ वॉटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना माना गया, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है बच्चों, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वॉटर ये याद रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि देखो ऐसा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हम प्रेशर को नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो सॉलिड बन जाता है, यानी कि आइस बन जाता है। 1 डिग्री पे 2 डिग्री पे इवन वो आइस और लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो तब भी हम नाप नहीं सकते हैं। इसलिए फिजिक्स वालों ने, बिल्कुल फिजिक्स वालों ने जो है, जो पुरानी टीम बैठी होगी या कुछ भी होंगे, उन्होंने 4 डिग्री को स्टैंडर्ड मान लिया, और जो भी हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, जो भी हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे आगे जाकर, वो हमेशा कितने डिग्री पे करेंगे, हमेशा 4 डिग्री पे करेंगे। और 4 डिग्री की डेंसिटी कभी कभी पेपर में लिखने को आ जाती है, तो 4 डिग्री में वाटर की डेंसिटी क्या लेते हैं, 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। और जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा आपको, तो न्यूमेरिकल कराने के टाइम पर अगर डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा हुआ आता है, और अगर डेंसिटी नहीं गिवन है, तो डेंसिटी लेट करके 4 डिग्री सेल्सियस मान के डेंसिटी हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी फिजिक्स में चलेगा बच्चों, ऐसे ही पूरी फिजिक्स में चलेगा। तो एक बार और रिकॉल करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे 1 atm में इतने पास्कल होते हैं, मैंने प्रूफ करके बता दिया कैसे ये होता है। उसके बाद कुछ और भी यूनिट्स होती हैं जिनके कन्वर्जन आपको मालूम होने चाहिए, जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे। तो चाहे वो mmHg में हो, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे वो बार में हो, चाहे वो टॉर में हो, चाहे वो atm में हो, तो आपको सारी की सारी ये यूनिट्स न्यूमेरिकल में यूज नहीं करनी है। आपको इसको पहले पास्कल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल आपको शुरू करना है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया, ओके, ठीक है। तो अब जो है बच्चों वो आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक दो न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे फिर इसके। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करो, फिर हम डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को समझते हैं। ओके बच्चों, तो पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी हमने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो भी मास होता है सब्सटेंस का, वो पर यूनिट वॉल्यूम में लिया जाता है, उसे डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम बाय वी। अगर यूनिट की बात करी जाए, तो यूनिट होती है इसकी केजी पर मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये है वही डेंसिटी। अब आते हैं बच्चों रिलेटिव डेंसिटी पर। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब रिलेट करना, मतलब पानी की डेंसिटी से किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को रिलेट करना। मैंने भाई किसी सब्सटेंस की डेंसिटी पहले ही नाप ली, ठीक है, कि इसकी जी इतनी डेंसिटी है, तो उतनी डेंसिटी वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं, ठीक है, और पानी की डेंसिटी हमको मालूम है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि पानी की डेंसिटी हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पर कितनी लेनी है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब लेनी है। ठीक है, तो पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर हमें कितनी पता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और मैंने जैसे इस मार्कर की डेंसिटी मुझे मालूम होगी कि इसकी मार्कर की डेंसिटी 10 या 20 होगी, जितनी भी होगी, तो मैंने इसको पानी में डाल दिया, तो इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी का रेशियो और पानी की डेंसिटी का रेशियो, दोनों का जब रेशियो देखा जाता है, उस रेशियो को कहते हैं बच्चों रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। एक बार और समझते हैं,
मैंने कोई वेट लिया, मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसकी डेंसिटी मुझे पहले से ही मालूम है, 4 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड की डेंसिटी मुझे पहले से ही मालूम है, दोनों को आपस में इमर्स कर दिया, मैंने उसको पानी में डाल दिया, उसके बाद मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं उसकी डेंसिटी और उसकी डेंसिटी का रेशियो निकाल रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का और पानी की डेंसिटी का दोनों का कैलकुलेट करके रेशियो निकाल रहा हूँ, वो जो रेशियो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलेटिव डेंसिटी। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो और पानी की डेंसिटी के रेशियो को क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसका बन जाएगा रिलेटिव डेंसिटी आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। एट 4 डिग्री सेल्सियस अगर बच्चों पूछा जाए इसकी यूनिट क्या है, तो ये बच्चों इसकी नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। हाँ, डेंसिटी के बारे में होता है, डेंसिटी शब्द शब्द आ चुका है, वर्ड आ चुका है, पर डेंसिटी वर्ड होने के बावजूद भी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो कभी कभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं और वहां पे पंगा ही हो जाता है कि हम लोग डेंसिटी समझ के यूनिट केजी पर मीटर क्यूब लिख देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करनी गलती, हमको मालूम है कि रेशियो होता है और रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चों टॉपिक को यहीं करते हैं ओवर और एक दो न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं इसके। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल जो है वो ये है, द टू थाई बोन्स फेमर ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट द अपर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। फाइंड द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फेमर। इसका मतलब प्रेशर फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो गिवन लिख देंगे कि भैया प्रेशर फाइंड आउट करने को हमको ये बोल रहा है, ठीक है। तो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमको जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये एक बोन का एरिया है, यहाँ पे दो बोन बोली है, तो दो बोन के लिए यहाँ पे हमें 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मतलब इसको 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 × 10 = 20 cm² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 cm². लेकिन बच्चों एक बात और है कि हम फिजिक्स में कभी भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं करते हैं सॉल्व, हम हमेशा मीटर स्क्वायर में करते हैं सॉल्व। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना होगा। तो ये याद रखिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10^-2 meters, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10^-2 meters। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा इस वैल्यू का। तो यहाँ पे 10^-10^2 ये -2 का ये स्क्वायर करना होगा और मीटर स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो 10^-2 का स्क्वायर कर देंगे तो 10^-4 meters² आ जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे किसी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करना होगा तो 10^-4 से मल्टीप्लाई करना होगा उस वैल्यू को। तो मतलब 20 cm² को मीटर स्क्वायर में करने के लिए 20 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10^-4 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 20 × 10^-4 meters². ये वैल्यू हम एरिया की यूज करेंगे। ओके, मास जो दे रखा है वो बॉडी का दे रखा है 40 kg और प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेते हैं F/A, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg/A और मास हमें दे रखा है 40। कैलकुलेशन आसान करने के लिए g की वैल्यू 10 ले लो और एरिया हमें दे दिया 20 × 10^-4, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया और 20 + 20 = 40 हो गया और ये हो जाएगा 20 × 10^4, ठीक है। 20 × 10^4 पास्कल, ये हमारा प्रेशर निकल जाएगा बच्चों। तो बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। और जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो ये है, अ 50 kg गर्ल वेयरिंग हाई हील्स बैलेंस ऑन द सिंगल हील। इसका मतलब वो एक सिंगल हील पे बैलेंस करना चाहती हैं और द हील सर्कुलर विद डायमीटर 1 cm, यानी कि हील का जो सर्कल का जो हिस्सा दे रखा है, टिप का जो हिस्सा दे रखा है, वो गोल है, सर्कुलर है और वो उसका जो डायमीटर है वो 1 cm है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एग्जर्टेड प्रेशर बाय द हील, आपसे हील का प्रेशर पूछा है। तो प्रेशर निकालना है हमको और यहाँ पे असल में डायामीटर दे दिया है बच्चों। क्या दे दिया है? डायामीटर। तो डायामीटर दिया है हमको 1 cm। लेकिन बच्चों डायामीटर से काम नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा काम? वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू mg बाय
एरिया को हमें पाई आर स्क्वायर लिखना होगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कोई डायमीटर का कोई काम नहीं है, यहाँ पे रेडियस दे रखा है हमको, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे डायमीटर का फॉर्मूला लिख सकते हैं रेडियस के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा करते हैं कि रेडियस निकाल लेते हैं पहले, रेडियस निकालने में कितना टाइम लग रहा है ना, तो पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस की वैल्यू सीधा डायरेक्ट वहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि आर का फॉर्मूला बन जाएगा डी बाय टू, यानी कि डायमीटर बाय टू। तो डायमीटर दे रखा है हमें 1/2, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर को मीटर में करने का क्या तरीका है, सेंटीमीटर को क्या करना है मीटर में भी करना है सॉल्व करने के लिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने का तरीका है बच्चों 10^-2 से मल्टीप्लाई, 10^-2 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं पॉइंट हटा दूं यहाँ से, तो ये 5 × 10^-2, नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो प्लस की पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 10^-2 × 10^-1, दोनों पावर आपस में इंक्लूड हो जाएगी, तो आर की वैल्यू निकलेगी 5 × 10^-3 मीटर, ठीक है। हालांकि ये भी पुट कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ओके, तो बाकी सब तो गिवन है, और मास गिवन है 50 kg। तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे 50 g की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, और रेडियस ये हो गया 5 × 10^-3, 5 × 10^-3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का बच्चों स्क्वायर हो रखा है इसी वजह से, ठीक है। तो बच्चों देखो P इज इक्वल टू 50 × 10, ये हो जाएगा 3.14, ये 5 5 जो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगी 10^-6, ठीक है। तो ये आप 2 जा काट दो, ये आप 2 जा काट दो, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, तो क्या क्या होगा, ये हो जाएगा 200, ऊपर 2 0 आ जाएंगे, ये 10 हो गया, नीचे हो गया 3 1 4 और 10^-6, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको 3.14 से इसको डिवाइड करा दो, इसको डिवाइड करा दो, ठीक है। तो 3.14 से जब इसको डिवाइड कराओगे तो ये 0.6 करके आएगा कुछ, ठीक है। तो मुझे आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आपका आंसर निकल रहा है। वह हालांकि आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप एक बार खुद से सॉल्व करना, क्योंकि खुद से सॉल्व करोगे तभी आएगा, तभी कैलकुलेशन आएगी आपको, ठीक है। बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट आप लिख लोगे तो उससे फायदा नहीं है, तो खुद कैलकुलेट करना। इतना काटा पिटी मैंने कर दिया, तो खुद इतना कैलकुलेट करना, उसके बाद मुझे बताना कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। कि ऐसे लिख देना कि आंसर सही आ रहा है हमारा भी। तो प्रेशर का आंसर निकलना चाहिए 6.4 × 10^6 पास्कल, ये आंसर आना चाहिए बच्चों प्रेशर का, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2, और न्यूमेरिकल हम करते ही रहेंगे, साथ ही साथ टॉपिक भी करते रहेंगे। तो टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं पास्कल लॉ प्रेशर वेशर के बारे में और भी डिस्कस करूंगा। और अभी इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।